तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से मोशन इन वन डायमेंशन का लास्ट वीडियो। और हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करना, इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपके पास होते हैं पूरे तीन, और इन तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको ड्राइव करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए फटाफट हम कर देते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, सबसे पहले वही मैं लिख देता हूँ और इनके एक बार नाम बता देता हूँ कि किसके किसके क्या क्या नाम है, ठीक है। और v हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद पहले वाली इक्वेशन का जो नाम होता है, नाम देखिए, नाम आपको याद नहीं रखने, बस आपको ये पता कर लेना है लिख कर इक्वेशन की इक्वेशन का नाम क्या होगा। तो सर हम वो कैसे पता करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें आपको दोनों वेलोसिटी दिख रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली आप इसमें वेलोसिटी का नाम जरूर देंगे। ये जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म होता है, नो डाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, है ना। तो इसको तो रहने दीजिएगा, कभी भी किसी में भी एक्सेलरेशन का नाम नहीं आएगा। और दूसरा आपके पास पर्टिकुलर टाइम है, तो ये नाम हो जाएगा इसका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बताइए किस तरह की कोई समस्या भाई, है ना। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा एस ना यहाँ पे डिस्टेंस का काम करता है, किसका काम करता है, डिस्टेंस का, या फिर आप कह सकते हो किसका, डिस्प्लेसमेंट का। बात एक ही होगी क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, तो स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा यू यहाँ पे एक ही है, मतलब दोनों नहीं है, बताइए। हाँ यानी दोनों नहीं है, ध्यान समझिए, जब तक दोनों नहीं होगा तब तक वेलोसिटी का नाम नहीं आएगा, और एक्सेलरेशन का तो नाम वैसे नहीं आना। तो यहाँ पे बचा क्या, टाइम, और ये क्या, डिस्टेंस। तो आप इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन को आप डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, तो डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा इसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बताते हैं क्या क्या पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो नो डाउट आप इसको पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं। और तीसरे में क्योंकि दोनों वेलोसिटी तथा 100% वेलोसिटी जो है वो आने ही वाला है, वेलोसिटी का नाम आएगा ही आएगा, एक्सेलरेशन का नाम आएगा नहीं, तो आपके पास बच गया क्या, एस, दिस इज योर डिस्टेंस। तो वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, या आपको मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम बताए हैं अभी क्या बताया मैंने आप लोगों को, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस के नाम बताएं। समझ में आई नहीं इतनी बात, डन है। चलिए अब नाम के आगे इनको हम ड्राइव करना शुरू करवा देते हैं। तो जब भी आप ड्राइव करवाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन, जरूरी नहीं है कि आपको तीनों के तीन इक्वेशन ऑफ मोशन दिए जाएंगे ड्राइव करने के लिए, नहीं, उनमें से कोई सा एक दिया जा सकता है, बट उसमें आपको स्टेटमेंट जरूर लिखनी पड़ेगी। कंसिडर ए बॉडी, या फिर एन ऑब्जेक्ट बोल दीजिएगा, कंसिडर ए बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। अभी जो मैं आप लोगों को मेथड करवा रहा हूँ इसको कहा जाता है सिंपल मेथड, समझिएगा। और दूसरा आपके पास ग्राफिकल मेथड, तो इस वीडियो में हम दोनों के दोनों मेथड को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कंसिडर ए बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू आफ्टर टाइम टी velocity changes to final velocity that is v moving having uniform acceleration, ऐसा लिख दीजिए, having uniform acceleration, ठीक है इतनी बात, ये कहानी आपके पास, हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है तो कुछ इस तरह की कहानी रहती है आपके पास। एक्सेलरेशन नो डाउट हम हमेशा यूनिफॉर्म की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। दूसरी चीज़ इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, और कुछ ना कुछ उसको टाइम लगा होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं आप लोगों को ड्राइव करना सिखा देता हूँ, उसके बाद आप लिखेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन ऐसे आप लिख कर दिखाएंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में चेंज इन टाइम, जो कि हम सिंपली अगर इनिशियली से स्टार्ट कर रहे हैं तो टी टू माइनस टी वन बोल सकते हो, नहीं तो सिंपली टी बोल दीजिए, टाइम है ना। इसको जब आप फॉर्मुलेशन के हिसाब से लिखते हैं तो इसको ए बोलते थे, चेंज इन वेलोसिटी को नो डाउट फाइनल माइनस इनिशियल स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ एंड टाइम की जगह पे टी। आप इसको यहाँ पे वन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको करेंगे तो वन से तो वी माइनस यू आएगा, इससे इसको करेंगे तो ए टी आएगा। ये माइनस का यू अगर मैं उधर भेज दूँ तो प्लस का यू हो जाएगा, रीअरेंज कर रहे हैं हम और कुछ नहीं, और आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो चुका है। तो ये जो आपके पास मेथड है इसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड, ठीक है ना, सिंपल मेथड। और दूसरा एक और अभी मैं करवाऊंगा जिससे वहाँ पे हम आपको बताएंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप कैसे इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब आपको क्या ड्राइव करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नो डाउट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। तो क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए, इसमें एक तो एस चाहिए, और एस यहाँ पे स्पीड नहीं, क्या है, डिस्टेंस, या फिर क्या कह सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई नहीं इतनी बात, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए नो डाउट आपको वेलोसिटी या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोलिए हाँ या नहीं, स्पीड तो यहाँ पे स्पीड बोले हैं, वेलोसिटी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो गया। यहाँ से जब हम डिस्टेंस की बात निकालेंगे या फिर आप कह सकते हैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट की बात निकालेंगे तो v इंटू में t आएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे v जो होगा ना टोटल एवरेज वेलोसिटी लेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम वाली कहानी, और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा। आगे सुनिएगा, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला चाहिए था तो आगे हम काम कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी का आपने फुल फॉर्मूला सुना होगा, यू प्लस का वी होता है। बोलिए हाँ या नहीं, यू प्लस वी बाय में टू। एवरेज वेलोसिटी का सुना क्या होगा, हमने आपको खुद बताया हुआ है, यू प्लस वी डिवाइडेड बाय में टू। एक तो था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, नो डाउट इतना तो है ही है, लेकिन दूसरा क्या था आपके पास, एवरेज वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब यू प्लस वी अपॉन में टू, तो तब जाके निकलता है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी बाय में टू लिख दिया। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करना है, और वहाँ से आपको पता है v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी, और अब आपको यहाँ पे v के जगह पे u प्लस ए टी रख देना है। तो इस u को तो आप ऐसे रखेंगे, इसके जगह आप रखेंगे u प्लस का ए टी, ठीक है, और अपॉन में नो डाउट पूरे का टू है, और यहाँ पे आप बाहर में आपके पास क्या है, टी है, ठीक है। चलिए s इज इक्वल टू यू प्लस यू क्या हो गया, टू यू, और साथ में क्या है मेरे पास, ए टी, और डिवाइडेड में क्या है, टू है, और पूरे के बाहर में क्या है, टी है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप अंदर, तो ये आ जाएगा टू यू टी और प्लस में ए टी का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, और पूरे के नीचे में क्या आपके पास, टू है। अब आप 100% इस टू को दोनों टर्म्स के नीचे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे टू यू टी डिवाइडेड बाई में टू और प्लस में ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में टू। यहाँ पे आप टी टू से टू को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और उसके बाद एस इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा यू टी और प्लस में ये पूरे के नीचे 2 है, तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो यही ओवरऑल आपके पास सेकंड इक्वेशन मोशन जो था वो आपके पास ड्राइव हो चुका है। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो सिंपल मेथड से हमने आपको सेकंड इक्वेशन मोशन को भी ड्राइव करना सिखा दिया। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब थर्ड इक्वेशन मोशन होता है उसको अगर आपने नोटिस किया है तो उसमें होता है वो होता है वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और आपको यहाँ पे नज़ारा दिखेगा कि इसमें कहीं पे भी टाइम नहीं है। ध्यान से, यहाँ पे कहीं पे भी टाइम है ही नहीं, है ना। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें टाइम पीरियड होता ही नहीं है, लेकिन दोनों वेलोसिटी है और साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है, जो डिस्टेंस है ना वो भी है, और सेकंड में भी डिस्टेंस है। तो सेकंड का ही यूज़ करके हम क्या बोलेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो ये वाली चीज़ लिख लेंगे, और जहाँ जहाँ पे टाइम होगा उस टाइम को यहाँ से हटा देंगे। और टाइम को हटाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें ये चीज़ लानी है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का यू हो जाएगा इज इक्वल टू ए टी, ए डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से निकल गया मेरे पास टाइम। इस टाइम की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड को ड्राइव कर, सेकंड को ड्राइव करने के लिए आपको फर्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और थर्ड को ड्राइव करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू और टाइम के जगह पे v माइनस का u डिवाइडेड अपॉन में a प्लस में 1/2 आप ऐसे रखेंगे, a को ऐसे रखेंगे और टाइम के जगह लिख देंगे v माइनस का u अपॉन में a का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, जहाँ जहाँ पे टाइम था वहाँ वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो s इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा यू वी माइनस यू का स्क्वायर और पूरे के नीचे में a, बीच में प्लस,
ये सिंपली आप ए बाई टू कह सकते हैं, नो डाउट, एक ही बात है। और इसका मतलब क्या वो समझिएगा, वी माइनस यू का होल स्क्वायर है और अपॉन में ए का स्क्वायर है। इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से नज़ारे आपको दिखाने वाले हैं। आगे चलिए, एस इज इक्वल टू यू वी माइनस का यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए है, और प्लस में ए बाई टू को आप ऐसे एक एक ऐसे एक ए को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे एक ए को आप कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर बचेगा वी माइनस यू का होल स्क्वायर और नीचे बचा टू और ए, टू ए बचा, ठीक है। एक तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, आइडेंटिटी लगाकर खोल सकते हैं, अदरवाइज आप पहले एलसीएम भी ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, देखिए क्या आएगा, ए और टू ए का लेंगे तो टू ए आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा तो टू बचेगा, टू से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू यू वी और माइनस का टू यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, टू ए से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, तो यही चीज़ पूरी आ जाएगी, वी माइनस यू का होल स्क्वायर, वी माइनस यू का होल स्क्वायर। ऐसा मत कर देना इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ध्यान रहे आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है ना। होल स्क्वायर होता है ना तो आइडेंटिटी ही लगती है हमेशा, है ना, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, माइनस टू बी और बी प्लस बी स्क्वायर आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे ये आ जाएगा टू यू वी माइनस का टू यू का स्क्वायर प्लस में, देखिए ये है ये बी है, उसके अकॉर्डिंग खोल दूंगा तो ए का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर और माइनस का टू ए बी मतलब टू वी यू और डिवाइडेड बाय में पूरे के नीचे क्या आपके पास टू ए है, ठीक है। इतनी बात, चलिए हमारा आंसर आ चुका है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 2uv और 2vu प्लस माइनस में आगे पीछे एक ही बात है, उड़ा दीजिए। यहाँ पे क्या बचा, ये वी स्क्वायर प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, इसको आप प्लस माइनस कर दीजिए, लाइक टर्म से ना देख लीजिए, है ना, वेरिएबल की पावर सेम है। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1u का स्क्वायर आएगा, माइनस का 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस को तो लिखेंगे और अपॉन में 2a, ठीक है। चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आंसर ले जाइए, इसका 1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इससे इसको करेंगे तो 2as, और आपका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी आपने यहाँ पे ड्राइव करके दिखा दिया। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, अभी जो हमने आपको डेरिवेशन बताया वो क्या है आपके पास एक सिंपल मेथड से, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं ग्राफिकल मेथड से हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। तो आइए ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को समझा देता हूँ, अगेन आपको स्टेटमेंट वही चीज़ लिखनी पड़ेगी जो अभी हमने पहले आपको लोगों को बताया, बट यहाँ पे ना ग्राफ बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ। लास्ट वीडियो में जब हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा था मैं आप लोगों को, उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि एक ऐसा ये वाला ग्राफ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है, लेट से यहाँ तक आपके पास क्या इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद फिर वो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। ध्यान रखिएगा ये जो एक्सिस है ना वो वेलोसिटी का एक्सिस है, तो यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब चेंज होती है वेलोसिटी, बट ओवरऑल वाई एक्सिस जो होगा ना वो वेलोसिटी के लिए ही माना जाएगा एक्सिस के लिए। उसके बाद आप इसको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे, और यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, हमने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करवाया हुआ है, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखिए तभी यहाँ पे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रख समझिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो चेंज कहाँ से आया वेलोसिटी में वो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो यू ही था, इसके बाद चेंज आया, इसके बाद चेंज आया, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बी सी है, यहाँ पे आप समझिएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपके पास और कुछ नहीं क्या है बी सी है, और बी सी की वैल्यू क्या होगा वी माइनस यू, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये टोटल आपके पास वी समझना है, वाई एक्सिस ही तो है नहीं वी, और यहाँ तक क्या था यू, तो चेंज यहाँ से आया ना तो वी माइनस यू विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन स्लोप, स्लोप ही होता है एक्चुअल में, और स्लोप कुछ नहीं है, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे ये आपके पास ये वाली है, ये वाली अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया तो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो अभी समझा देता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो इसमें यहाँ पे ना एंगल होता है थीटा,
थीटा, थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। थीटा सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये आपके पास बेस होता है। वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा होगा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो होता है आपके पास टेन थीटा के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पे ना मेंशन करें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब अगर ये वाला कंसेप्ट आपको ना पता हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस आपको इतनी सी याद रखनी है कि स्लोप का मतलब क्या है। तो स्लोप का मतलब आपको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और कुछ नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, जो कि क्या आपके पास बी सी, और बेस क्या आपके पास डी बी, ठीक है। तो स्लोप आ गया, और स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वी टी कर्व, वी टी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। बस तो ये जो ग्राफ बना है वो किसका है? एक्सेलरेशन देने वाला है। जो स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा? एक्सेलरेशन को बताने वाला है। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो स्लोप एक्सेलरेशन हो गया, और बी सी की जगह पे देख लीजिए चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे बी सी लिख लूंगा, और डी बी की जगह नो डाउट डी बी लिखूंगा। आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड है, तो ओ ए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ओ ए हो गया या फिर डी बी हो गया, ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम को। और ये वाला ओ डी और ए बी, ओ डी और ए बी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को। और पूरा ए सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? नो डाउट किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो वी को, ठीक है। ये वाला, ये पूरा, फिर ये पूरा एक ही बात वाई एक्सिस वाला, ठीक है। इतनी बात। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू कर दीजिए। आपको पता ही दिया है कि बी सी जो होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, अच्छे से देख लीजिए। बी सी जो है वो किसके इक्वल होने वाला है? BC जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होने वाला है, और वो है आपके पास V माइनस का U। बोलिए हाँ या नहीं? तो यहाँ पे आप लिख देंगे V माइनस U डिवाइडेड बाय में टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी करवाया था बिल्कुल सेम सेम, तो आपके पास ऐसे नज़ारा दिखाया था, और फर्स्ट इक्वेशन आ गया था U प्लस का AT, और आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो चुका है। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बिल्कुल आसान लगा होगा। दूसरा और भी ज़्यादा आसान है। दूसरे के लिए आपको क्या करना है पता है? आपको पता है जब हम किसी भी कर्व का एरिया निकाल देते हैं, एरिया निकाल देते हैं, तो वो क्या आ जाता है? टोटल डिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ। ओ से शुरू करेंगे और वापस ओ तक एंड कर देंगे। इस पूरे का अगर मैं एरिया निकाल दूं, ये अलग अलग नहीं है, समझिएगा प्यार से, ओ बी सी डी ओ है ना, इस पूरे का एरिया निकाल दो ना, पूरे का एरिया, तो हमारा जो होगा वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा और कुछ नहीं। और वो हमारे लिए बहुत आसान है। इसमें ना जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे तब आपको याद रखना है सेपरेटली, इसका एरिया अलग और इसका एरिया अलग निकालेंगे, फिर इनको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैं एस मान लेता हूँ। तो अब इस पूरे का एरिया निकालेंगे, तो ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा क्या है आपके पास प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल कौन सा है? ओ ए बी डी, ठीक है, और प्लस में ट्रायंगल कौन सा है? डी बी सी है ना। ये चीज़ें आपके पास, ये दो चीज़ें हैं, दोनों का एरिया निकाल देंगे। तो इसका लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ कर दिया, प्लस में ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस के जगह पे डी बी है, और इंटू में हाइट के जगह पे बी सी है ना। आप फॉर्मूला भी लिखकर साइड में दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली करके दिखा दिया है। वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ अब मैं। ओ ए की जगह टाइम है, ए बी की जगह पे यू है, ये हमने आपको यहाँ पे मेंशन करके बता दिया था। प्लस में 1/2 ऐसे रहेगा, डी बी की जगह अगेन आपके पास टाइम है, मल्टीप्लाई में बी सी, बी सी की जगह पे क्या आपके पास वी माइनस का यू है, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमारे पास क्या आया, एस इज इक्वल टू यू टी आ चुका है, हाफ आ चुका है, एक टाइम आ चुका है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चाहिए था? हाफ ए टी का स्क्वायर होता था, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए होता है। तो बस उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ से इक्वेशन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या मेरे पास v माइनस का u है, हमें v माइनस u नहीं चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से v माइनस u की वैल्यू आप देख लीजिए क्या होता है, at। तो उसके जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे a इंटू में t, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए, और आपका जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके पास ड्राइव हो चुका है। तो यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर हो गया। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताइए भाई यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? डन है,
ठीक है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन के पास। जब हम तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो इस केस में भी हम एरिया, टोटल एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व ही निकालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अब की बार जो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखूँगा फिर से वही वाला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, ये वाला एरिया ऑफ ये वाला पोर्शन, ये बिल्कुल सेम डिटो चीज़ मैंने यहाँ पे टेपना है, ठीक है। ये पूरी चीज़ यहाँ पे लिख लूँगा, ये वाले पूरी, उसके बाद मैं लिखूँगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है आपके पास, एस है, तो उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। अब की बार आपको सेपरेट नहीं निकालना है थर्ड इक्वेशन के लिए, बस आपको याद रखना कि पूरे का एरिया एक ही साथ निकालेंगे, तो इस पूरे को यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इस पूरे का एक मानकर, एक फिगर मानकर एरिया निकालेंगे। तो सर ऐसा कौन सा फिगर है और इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दो अपोजिट साइड जब पैरेलल होते हैं और दूसरे की कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो, टेढ़ा मेढ़ा येढ़ा कुछ भी हो, तो इसको हम ट्रेपेजियम के नाम से जानते थे। और ट्रेपेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला होता था, वो होता था हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाला और ये वाला, है ना, तो OD प्लस में ये वाला AC, ठीक है, और इंटू में हाइट होता था, तो हाइट होता था पैरेलल के बीच में डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला डिस्टेंस लो या फिर ये वाला डिस्टेंस लो, बात एक ही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये कहानी होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना, इस पूरे का निकाल देंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में OD, OD कितना है मेरे पास, U है, प्लस में AC, AC कितना है मेरे पास, A से लेकर C तक Y एक्सिस है जो कि V को रिप्रेजेंट करेगा, और मल्टीप्लाई में OA, OA की जगह नो डाउट क्या है मेरे पास, टाइम, ठीक है। बस यहीं से हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ड्राइव हो जाने वाला है। तो S इज इक्वल टू 1/2 ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट में U प्लस का V रखेंगे। आपको पता होना चाहिए एक चीज़ की, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता है, अभी तो ड्राइव करवाया था ना, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे सेकंड को भी और थर्ड को भी ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे और इस टी को यहाँ से गायब कर देंगे, तो इसके जगह यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से निकल जाएगा वी माइनस यू अपॉन में ए और इज इक्वल टू में टाइम, तो टाइम की वैल्यू ये निकल कर आ गई, यहीं पर पुट कर दीजिए वी माइनस का यू अपॉन में ए, समझ में आई ना बात। तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू, नीचे तो टू ए आ जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ऊपर देखिए ये v प्लस यू हो या फिर u प्लस वी हो, क्या कोई दिक्कत होगी, इसको आगे पीछे लिख दो प्लस वाले को, नहीं ना, इसको मैं v प्लस यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा क्यों लिखा मैंने, ताकि a प्लस बी और a माइनस बी आपको फॉर्मूला मिल जाए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सुना है ना, पहला पहला सेम, दूसरा दूसरा सेम, साइन डिफरेंट तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके नीचे वन लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी आपके पास ड्राइव होकर मिल चुका है। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं, डन है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और अब आइए हम कर लेते हैं डिस्कस कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि अगर हमने कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस नहीं किया तो बस भाई हमारी लंका लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट कुछ न्यूमेरिकल जो है वो हम डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जब स्टार्टिंग में ही रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 100% जीरो होगी। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब चल रही थी और फिर रेस्ट पे आई है, तो अब की बार उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात, डन। तीसरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ द वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज जीरो। देखिए तीन चीज़ों की जीरो की कंडीशन हमने आपको बताई, ठीक है ना, तीन चीज़ों की हमने आपको कंडीशन बताई। इस केस में नो डाउट टाइम भी जीरो होने वाला है, तो आपको चारों कंडीशन बता दी कि यू वी है ना, और इस केस में डिस्टेंस भी आपके पास जीरो होने वाला है, मतलब सारी चीज़ जितने भी वेरिएबल थी सब कुछ ही बता दिया मैंने आप लोगों को, बट मेन आपके पास ये और ये आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आई ना बात इतनी, डन है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। पहले भी मान लीजिए कि 10 थे और बाद में भी 10 हुई, माइनस करेंगे डिवाइड में कुछ भी टाइम लगाओ कोई दिक्कत नहीं, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या निकल कर आता है आपके पास, जीरो। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा। और दूसरी बात, आपके पास जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, यस जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएगा,
उस केस में आपको तुरंत तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होगी आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप तुरंत लिखेंगे, कोई सा भी न्यूमेरिकल देखा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फटाक से लिख डाला। उसके बाद आप क्वेश्चन में जाएंगे और गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे कि क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका होता है ये, रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच, तो आप यूनिट देखकर भी चीज़ों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है किसी भी कार की, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इन 20 सेकेंड्स, मतलब टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, देखा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब अभी तो कंडीशन बताया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको क्या क्या दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए अब आपको नज़र मारने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में, पहली बात ये देखिए हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है एस, बोले तो डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट। तो पहली इक्वेशन लगने का कोई चांस ही नहीं, बताइए क्यों, क्योंकि क्योंकि उसमें डिस्टेंस है ही नहीं, तो डिस्टेंस हमें मिलेगा कैसे। तो आप टारगेट आती है एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से कौन सा लगाया जाए, तो सर फटाफट देख लेते हैं, एक्सेलरेशन दोनों में सही काम करेगा, टाइम दे रखा है तो टाइम तो ऊपर वाले में, क्या नीचे वाले में टाइम है, नहीं, तो नीचे वाले में टाइम नहीं है तो हम नीचे वाले को नहीं लगा सकते, हमें जाना पड़ेगा इस सेकंड इक्वेशन के पास, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास दे रखा है, हाफ ए टी स्क्वायर टाइम भी दे रखा है, तो हम इस पे चले जाएंगे, है ना। टाइम नहीं दिया होता तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब आगे यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ही निकालना, u के जगह 0 मल्टीप्लाई टाइम के जगह 20 प्लस में हाफ a, a के जगह पे दे रखा 5 मल्टीप्लाई टाइम का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, उड़ा दीजिए, हाफ ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 200 ही आ जाएगा ना, ठीक है, और 5 दिनी 10 ही आ जाएगा 1000 मीटर, बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना आपके पास है 1000 मीटर। एक बार मैं आंसर भी साथ साथ में कंफर्म करते जाऊंगा, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है, इतनी बात। चलिए आंसर बिल्कुल सही है ना, आप किलोमीटर में करना चाहें तो 1000 मीटर किसके इक्वल होता है 1 किलोमीटर, आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। चलिए तो ये कहानी होगी आपके पास, आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जाता है ब्रेक्स अप्लाइड टू द कार प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्या होता है रिटार्डेशन, तो जब हमारे पास वेलोसिटी धीरे 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 कम होती चली जाती है तो हमें एक रिटार्डेशन देखने को मिलता है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है धीरे धीरे कम होते रहता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव चला जाता है, बेसिकली ये होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते थे, तो वो इतना है। तो एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दे रखा, नेगेटिव का दे रखा है। जब भी रिटार्डेशन की बात करें तो आप नेगेटिव का एक्सेलरेशन लेंगे। इफ द कार वॉज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अब देखिए रेस्ट पे आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब जस्ट वो क्या कर रहा है, रेस्ट पे आ ही गया है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको क्या लेना है 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 27 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बोला है कि बताइए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आ गया है ख़त्म वहीं पे, मतलब टोटल डिस्टेंस बताना है और रेस्ट पे आ चुका है एक तरीके से, तो एक वहाँ पे बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या ले लिया हमने, वैसे भी 0 ले ही लिया है क्योंकि जब रेस्ट पे आती है कोई भी बॉडी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, अभी हमने आपको तीन कंडीशन बताया ही था। चलिए अब यहाँ से हम वही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और कौन सा यूज़ कर सकते हैं, अब देखिए पहला तो यूज़ करूँगा नहीं मैं क्योंकि पहले में डिस्टेंस होता नहीं है, तो मैं पहला और दूसरा दोनों को यूज़ करूँगा, हाफ इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर और दूसरा था आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और नो डाउट अब की बार टाइम नहीं दे रखा है तो मैं इस वाले को यूज़ नहीं करूँगा और इसको मैं पास करूँगा और इसमें से मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा, तो वी स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर कितना हो गया 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए की जगह माइनस का 0.9 और इंटू में एस, एस तो आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है। चलिए इसको काटापिटी कर देंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस ऐसे रहेगा 27 का स्क्वायर कर देंगे 7 × 7 = 49 शायद जहाँ तक मुझे आइडिया है 7 × 9 आ जाएगा और इज इक्वल टू मैं इनको इधर ले आया तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0.9, ठीक है आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई
माइनस का 0.9, ये पूरी चीज़ मैंने इधर लिया है क्योंकि एस के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में। नेगेटिव नेगेटिव को आप कैंसिल कीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाइए, ऊपर आपके पास लग जाएगा क्या, 0। ठीक है, चलिए अब मेरे पास ऊपर बच गया 7290 और नीचे में 9 दुनी कितना बच गया 18। चलिए 18 से काट दीजिए, 18 चौके 72, फिर 9 नहीं कटेगा, 2 डिजिट लेंगे 0 लेंगे और 18 पचे 90, 405। इतना मीटर जो है वो डिस्टेंस आपके पास निकल कर आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास हम पहुंच जाते हैं। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपके पास यू निकालना है। इफ़ द कार दैट इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में रुक गया बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज, मतलब रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन, 2.5 किसका, माइनस का। हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, यू निकालने के लिए बोला है, यू निकालने के लिए बोला है ना, ब्रेक्स ड्यू टू दिस द रिटार्डेशन इन 10 सेकेंड्स स्टॉप्ड, मतलब जाके रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी क्या है आपके पास, 0 है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बात बन जाएगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से आपके पास u निकालना है। v क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे 0 ले लेंगे, u हमें निकालना है प्लस का a, a के जगह पे कितना है, माइनस का 2.5 है ना, 2.5 है, और इंटू में टाइम, टाइम के जगह कितना है 10 सेकेंड्स है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, इसको ऐसे रखता हूँ यू, इसको हम करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 25 मीटर पर सेकंड। लीजिए आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, आंसर मैच कर लेता हूँ मैं, किसका किसका, 405 था, 25 मीटर पर सेकंड है, चलिए अच्छी बात है। अगले का माइनस 50,000 है और उसके अगले वाले का 125 है। चलिए तो मैंने दोनों के देख लिया, अब इनका भी हम मैच कर लेंगे तुरंत फटाफट। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके पास, इसमें कहा जाता है ए बुलेट इज़ फायर्ड ऑन अ वॉल, एक दीवार में बुलेट मारी गई है, बुलेट, ठीक है ना, विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द बुलेट स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी 100% 0 हो जाने, एट अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, दीवार के 10 सेंटीमीटर अंदर जाके रुकी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, नो डाउट मीटर पर सेकेंड में इसको करेंगे, मीटर में करेंगे बेसिकली ऐसा यूनिट में, तो आ जाएगा 0.1 मीटर, 100 से आपको डिवाइड करना है, सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोवाइडेड बाय द वॉल ए, आया ए निकालना है, मतलब 100% ए जो यहाँ पे निकलने वाला है, रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो 100% यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकलने वाला है वो नेगेटिव का ही निकलेगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, देखिए हमें टाइम तो पता है नहीं, तो तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन के पास चले जाएंगे, क्योंकि टाइम तीसरे के पास नहीं होता है, ठीक है ना, इसका आप यूज कर लेंगे। v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a, हमें निकालना है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0.1। चलिए इसको कर दीजिए, अभी सेम ही क्वेश्चन था ऐसे ही, इसको तो 0 रहेगा, इसको तोड़ा ही देता हूँ मैं, तो यहाँ से आपके पास माइनस बचा, 100 का हो गया 10,000 और इज इक्वल टू, मैं एक्सेलरेशन को ऐसे ही रखता हूँ, इन दोनों को इधर ले आता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई 0.1, पॉइंट हटाएंगे इधर आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, चलिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का ये 5 आ गया, 50,000 आ गया, जो अभी मैंने आंसर पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा जब भी सॉल्व करें ना, तो लास्ट में आपने क्या निकाला है उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान रख के उसकी आपको यूनिट मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, ए बॉडी अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 100% 0 है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5 सेकेंड्स, टाइम है आपके पास 5 सेकेंड्स, हमें एस जो है वो निकालने की ज़रूरत है, नो डाउट डिस्टेंस निकालना है, टाइम भी दिया तो सेकेंड इक्वेशन से ही बात बनेगी, क्योंकि थर्ड में तो डिस्टेंस है बट टाइम नहीं है, है ना, तो सेकेंड वाली इक्वेशन को लगाएंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एस के जगह क्या है नहीं मालूम, यही निकालना है, यू के जगह 0 होगा तो ये पूरी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो ये बचा हमारे पास हाफ, ए के जगह 10 है, टाइम का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो एस इज इक्वल टू इससे उसका कर दिया 5 टाइम्स 125 मीटर आपके पास डिस्टेंस निकल कर आ चुका है। बच्चे से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की सारी चीज़ें समझाई हुई आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल में एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।